ईद का पहला दिन कुछ खास तो होता नहीं है, ईद में सोने के लिए होती है ईद तो। तो अभी ये रहा मेरा ईद का सूट, तो अभी मैं नहाता हूँ, चेंज करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऑल राइट, तो अभी का ये सीन है कि कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए, रेडी हैं, बस बाल थोड़े गीले हो रहे हैं, ये ज़रा सूख जाए, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाएंगे हम लोग, कहाँ ये बन नहीं गया। एंड उसके बाद तो वो काम करने हैं जो पूरे रमज़ान में हमने नहीं किया, मतलब नींद पूरी नहीं करी, तो वो करना है अभी हमें, मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि कोई और काम बचता नहीं है। तो हाँ, हम बाद में मिलते हैं, प्लीज़। ऑल राइट, तो इस वक्त तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, सही है ना? तो अभी तैयब ने मुझे 5 बजे बुलाया था, लेकिन मैं 5 नहीं, तकरीबन 6:45 तक जाऊंगा। कुछ काम से, कुछ काम से बोल रहा हूँ, क्या इंग्लिश घुस रहा हूँ, कुछ काम है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे तैयब के घर, फ़ोटोशूट करने जाना है। कोई ख़ास काम नहीं है, और ईद भी मिलनी है, क्योंकि तैयब मुझे मस्जिद में नहीं मिल पाया था, मैंने उसे देखा था, लेकिन जैसे वो चप्पल रख रहा था, मैं फिर चप्पल रखने गया था तो फिर वापस गया उसके पास, तो वो वहाँ दिखा नहीं बाहर, फिर मस्जिद के बाहर भी नहीं मिला, फिर रश बहुत हो गया था, तो हम घर आ गए थे। फिर हम लोगों ने अभी शाम में प्रोग्राम बनाया मिलने का, तो फ़ोटो शूट करेंगे, तो बताओ आप वहाँ के सीन्स दिखेगा। बाकी शूट देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, @shamir_711, वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो बस अभी हम वहाँ मिलते हैं। अभी मैं आया हुआ था तैयब के पास शूट पे, सेटिंग चल रही है अभी कैमरे की, मतलब शूट करी है थोड़ी बहुत, वैसे फाइनल ले रहे हैं व्लॉग के लिए, रैंडम कोई पिक आ जाए कोई सी भी अपन दोनों की, अभी बस वो कर रहे हैं। हम कौन सा ज़्यादा दूर होंगे, ऊपर रख दें यहाँ पे, यहाँ ऊपर ही रख दें, पता कैसे चलेगा, वहाँ वहाँ खड़े नहीं होंगे ना, वहाँ खड़े होते हैं। फोन और तीन नहीं, आई थिंक हाँ, 2 फोन लेके और साथ कैमरा लेके बाहर घूम रहे हैं। टाइमर लगा दिया, टाइमर हटाना नहीं आ रहा, ये ले पकड़ अपना मोबाइल, एक मिनट रुक जा, अभी हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि इंसाफ को कुछ याद नहीं आ रहा। सैयब बादाम खाया करो तुम, बादाम बहुत ज़रूरत है तुम्हें। अभी हम यूट्यूब पर चेक करेंगे, फॉर करा दिया इन्होंने, आई मीन फॉर हो रहे हैं ये, मैं नहीं। क्या हुआ हुआ यार, देखो कुछ कर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, फोटो ढंगी आई और ना क्या फोटो ढंगी नहीं आया, चल अबे वो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो टाइमर वाली थी, वो ढंगी नहीं आई ना। अबे नहीं, हिल गई हिल गई हिल गई हिल गई हिल गई यार, दोबारा ले। फिर से हिल गई, अबे क्या कर रहा है यार, खींच रहा हूँ। अभी शूट वूट सारा हो गया, आज इतने दिन में कुछ खास था नहीं, तुम मुझे बोलने देगा तो। बाल कटवा लिए मैंने, सही है ना, बट अभी सीन ये है कि इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, जो कि मैंने आज यानी कि ईद के फर्स्ट डे पे डाला था, मतलब वैसे तो आज क्या नाम है, ईद नहीं होनी थी बट हो गई, कुछ कह नहीं सकते। वो व्लॉग मैंने रात में सोचा एडिट करूँ, लेकिन रात में मुझे अपने कमरे की सेटिंग करनी थी, तो उस वजह से मैं नहीं कर सका एडिट उसे, और नहीं अपलोड कर सका, मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो पिटने वाले काम भी, पर इस वक्त तकरीबन कुछ 7:05 हो रहे हैं, अब्बू का फ़ोन किसी वक्त भी आ सकता है, क्योंकि मैं तकरीबन 5:30 बजे घर से निकला था और 6 बजे तक यहाँ आया था मैं दोस्तों के पास, मतलब पहले वहाँ चला गया था दूसरे दोस्तों के पास, सॉलिक से मिलने के लिए चला गया था, क्योंकि सॉलिक से मैं मिला नहीं था, ईद नहीं मिली थी मैंने, तो उस वजह से वहाँ चला गया था। ऑल राइट, तो मुझे लिटरली कुछ पता नहीं है कि ब्लॉग किस तरह का बना होगा, तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।